कुमाऊं मंडल के द्वार हल्द्वानी में नशे के कारोबार और उससे जुड़े असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की पकड़ धीमी पड़ती जा रही है। यही वजह है कि चंबल पुल के पास ही चार कॉलोनियों की महिलाओं ने नशे के खिलाफ एक ऐसा अभियान छेड़ा है जो क्षेत्र में मिसाल बन गया है। नगर निगम के वार्ड 46 के निर्मल विहार, रतनपुरम, लक्ष्मी विहार और जीना कॉलोनी के मुख्य रास्ते पर झाड़ियों और गंदगी का साम्राज्य है। स्ट्रीट लाइट नहीं लगी होने की वजह से सूरज ढलने के बाद कॉलोनी की सड़क पर नशेड़ियों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं और बेटियों को घर से बाहर निकलना तक दूभर हो गया है। महिलाओं ने बताया कि रोजाना सफाई अभियान चलाने के साथ ही देर रात तक वह लाठी डंडों के साथ नशेड़ियों से भिड़ती हैं। इस दौरान उन्हें जान से मारने तक की धमकी भी मिलती है। सड़क किनारे पुलिस का सहायता केंद्र है, लेकिन रात को पुलिस आराम से बेसुध होकर सोती है, इसलिए महिलाएं गश्त देने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि अराजक तत्वों की कई बार पुलिस और स्थानीय पार्षद से भी शिकायत की, लेकिन कोई समस्या के समाधान के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में नशे के खिलाफ चार कॉलोनियों की महिलाओं की एकजुटता और मुहिम पुलिस प्रशासन के मुंह पर तमाचे से कम नहीं है। है अंधेरी रात तो दिया जलाना कब मना है, किसी उजड़े को बसाना कब मना है। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के चंबल पुल के पास निर्मल विहार कॉलोनी में, और इस वक्त हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने सामूहिक प्रयास से इस कॉलोनी की रंग को बदला है। यहाँ पर इस क्षेत्र में नशे का लंबे समय से कारोबार चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने अपनी एकजुटता से इस माहौल को बदलने की कोशिश की है। तमाम वो लोग जो इस क्षेत्र को अपनी मेहनत से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने सामूहिक प्रयास से इस क्षेत्र की रंगत को बदला है। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश गुड़वन जी, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या उन्होंने किस तरीके से इस क्षेत्र में प्रयास किए हैं। आप सभी को नमस्कार, मैं निर्मल विहार दिनेश गुड़वन। चंबल पुल से निर्मल विहार लक्ष्मी विहार की तरफ जो ये मेन मार्ग है, ये क्षेत्र में इतनी झाड़ियाँ होती थी एक डेढ़ साल पहले कि दिन के समय में भी, दिन के इवन 12 बजे भी अगर कोई महिला अकेले जाना चाहे तो उसमें संकोच भय रहता था। लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं, इनकी एकजुटता से, इनके प्रयास से और इनकी लगन से इन्होंने झाड़ियाँ सब हम लोगों ने मिल के काटी, और उसके बाद हम आज की डेट में भी रात को 10:30 बजे तक पहरा देते हैं लाठी डंडे साथ में रख के, और फिर भी नशा करने वाले चोरी छुपे यहाँ आते ही रहते हैं। गाड़ियों में लोग आके बियर आदि पीना और जो नशा चरस कई प्रकार के नशे हैं, उतना उसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन नशेड़ी प्रवृत्ति के जो लोग हैं अभी भी आते रहते हैं, और इन महिलाओं को धमकाया भी जाता है कि आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे और इसलिए आप कर रहे हो। तो इनके प्रयास से आज जो है करीब एक साल में इतना परिवर्तन हुआ। ये पार्क का निर्माण भी इसी वजह से हुआ कि यहाँ पर पार्क बन जाएगा तो अच्छे लोग आएंगे, बैठेंगे। और यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरीके से, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नशे की समस्या काफ़ी लंबे समय से बनी हुई थी, तो किस तरीके के परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है यहाँ पर आजकल, कि जिस तरीके से नशे के लोग यहाँ पर करने के लिए आते हैं? जैसे यहाँ पर नशेड़ी लोग जब आते हैं तो परसों की बात है, 2 दिन पहले यहाँ पर एक किराए में कोई भाई साहब रहते हैं, नई कार लेके आए थे, उनके दोनों कार के शीशे, फ्रंट और बैक के दोनों शीशे फोड़ दिए किसी ने। अब होता क्या है, जब ये नशा कोई व्यक्ति करता है तो पागल ही है एक प्रकार से, तो रात के करीब 2 बजे आके उन्हें दोनों शीशे, अभी 2 या 3 दिन ही हुए हैं मात्र, और कल इनको बसंती अधिकारी मैडम को, 2 लड़कों को उनको यहाँ पर बोला कि भाई तुम ये कर रहे हो, कह रहा है 21 साल हमको हो गए हैं, अभी आज तक किसी ने नहीं बोला, ये रोड तुम खरीद लिए हो क्या, या तुमको पैसे मिल रहे हैं क्या, इस प्रकार के मतलब जो है बातें भी सुननी पड़ती हैं। और आज भी अगर कोई लड़की चाहे कि अकेले यहाँ से आना जाना करे तो उसमें भाई रहता है आज भी, तो इसी के चलते हम लोग मिल के एकजुट हुए हैं। हमने जब मेयर जी यहाँ पर आए, उनको ये पार्क के लिए बोला कि हमें पार्क के लिए वो कर दीजिए, तो उन्होंने पार्क यहाँ पर बनाया। बस इसमें थोड़ी सी सुविधा ये रह गई, अभी थोड़ा अगर यहाँ पर उसमें गेट लग जाता तो जो अंदर शराब भी हो गए और लड़के वगैरह आते हैं, अजारकता फैलाते हैं, वो रुक जाएगी। बस इतना सा हमें बहुत ज़रूरी चाहिए और मंदिर का निर्माण कर। बिल्कुल, आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर सामूहिक प्रयास किया है एकजुट होकर, क्या कहेंगे, हल्द्वानी में नशे की समस्या हल्द्वानी में बढ़ती ही जा रही है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने मुहिम छेड़ रखी है उससे आपको लगता है कि परिवर्तन नजर आएगा कुछ दिन में? जी बिल्कुल बिल्कुल, और आना भी चाहिए। अगर सब लोग ऐसे ही अपनी अपनी जगह में सारे लोग एकजुट होके ऐसे कार्य करेंगे, अपनी अपनी जगह की सुरक्षा स्वयं करेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि हम लोग इन लोगों का इंतजार कर रहे हैं, नेताओं लोगों का, कि वो लोग आएंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। अगर हम खुद ही, अगर अब लोग हम लोग एकजुट हो जाएं तो अपनी अपनी कॉलोनी की सुविधा सुरक्षा हम खुद स्वयं कर सकते हैं और नशा मुक्ति कर सकते हैं। और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि यहाँ पर सुंदरीकरण होगा और आप लोग फिर दोबारा से यहाँ पर आएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा और हम लोग आना जाना आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, कि जिससे हमें खुद ही सुरक्षा मिल जाएगी।